भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, पार्टी भारतीय जनता पार्टी जनाब लतीफ साहब, हमारी इस साउथ कश्मीर जिसमें चार जिले आते हैं, बेसिकली बीजेपी पूरे जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी में इस वक्त बूथ एम्पावरमेंट प्रोग्राम में काफ़ी व्यस्त है। और जिस प्रकार से जम्मू प्रोविंस में भारतीय जनता पार्टी सक्रिय है, एक्टिव है, उसी तर्ज पे कश्मीर में भी बहुत सारी सीट्स को हमने शॉर्टलिस्ट करके वहाँ पे भी ये बूथ एम्पावरमेंट प्रोग्राम चल रहा है। और आज इसी की कड़ी में यहाँ पुलवामा की जो हमारी बहुत ही इम्पॉर्टेंट सीट है बीजेपी के लिए, दैट इज़ त्राल, जिसको हमने फोकस किया है, जो हमने जीतनी है, इस त्राल की इस धरती पे भी आज बीजेपी के बड़े ही इम्पॉर्टेंट जो इस बूथ एम्पावरमेंट प्रोग्राम में जो लोग लगे हैं उनको बुलाया था और उन्हीं की एक रिव्यू मीटिंग थी कि हम कहाँ पे हैं और फर्दर हमने कितना क्या काम करना है। यही आज का इस मीटिंग का मुद्दा था, यही आज की मीटिंग का पर्पस था। बड़ी अजीब विडंबना है, आपने देखा होगा कि पूरे देश में इस वक्त राहुल गांधी जी के नाम पे कोई एक व्यक्ति भी एक शब्द भी नहीं बोलता है। ये मुझे लगता है कि आप सब लोग भलीभांति जानते होंगे, ये केवल और केवल घमंड, तकब्बुर, जिसे ईगो कहते हैं, जो ये कहता है कि नहीं, गांधी खानदान के लिए एक अलग कानून बनाओ, इस मुल्क में जो एक आम गरीब के लिए कानून है उससे हटके गांधी खानदान के लिए कानून बनना चाहिए। वो कानून को नहीं मानेगा, वो जातिवाद पे टिप्पणी करेगा, वो किसी इंडिविजुअल को नहीं। मैं कहता हूँ कि मोदी जी के साथ उनकी क्या इख्तलाफात है, पार्टी के साथ क्या इख्तलाफात है, वो करे ना, लेकिन किसी जाति विशेष को टिप्पणी करना। उसके बाद कोर्ट ने, ऑनरेबल कोर्ट ने उन्हें एक कंडीशन भी दी कि आप अपोलोजाइज करें, उस पर भी अपने अहंकार, अपने घमंड, अपने तकब्बुर को उसने कहा कि मैं कोर्ट को भी नहीं मानूंगा, मैं अपोलोजाइज नहीं करूंगा। फिर कोर्ट ने अपना फैसला सुनाना था, उसके बाद आपको भी ये पता है कि सुप्रीम कोर्ट का डायरेक्टिव है, जिस क्षण, जिस भी सेकंड वो कोर्ट का वर्डिक्ट आता है, उसी क्षण एक जनप्रतिनिधि, एक इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव डिस्क्वालीफाई माना जाता है। अब इसमें बीजेपी ने क्या किया, बीजेपी की कोई अदालत तो नहीं है जिसमें बीजेपी का कोई जनरल सेक्रेटरी जज है। आप कोर्ट को नहीं मानेंगे, आप एजेंसी को नहीं मानेंगे, आप कानून को नहीं मानेंगे, आप किसी चीज़ को नहीं मानोगे, आप कौन से स्पेशल आदमी हो। लोग ये देखते हैं, जनता ये देख रही है। आपने जब आदरणीय मोदी जी चीफ मिनिस्टर गुजरात के थे, क्या उन पर सीट नहीं बनी, क्या उनका कोर्ट में केस नहीं चला। आदरणीय अमित शाह जी को आपने अरेस्ट नहीं किया, लेकिन कभी भी आपने देखा किसी भी बीजेपी के कार्यकर्ता ने कोई हल्ला किया, कोई बात उठाई, कोई कानून की जो प्रणाली है, न्याय प्रणाली है, जुडिशरी पे कोई उठाई। हम कानून पे विश्वास करने वाले लोग हैं, इसलिए भारतीय जनता पार्टी आज दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की कर रही है। आज त्राल जैसी जगह में भी भारतीय जनता पार्टी इतनी मजबूत है, कारण यही है कि हम स्पष्ट नीति और सही दिशा में पार्टी चलाते हैं। जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता हूँ मैं, बिल्कुल प्योर रूप से एक तंजीमी मीटिंग में हूँ। ये जो डोमेन है ये एडमिनिस्ट्रेशन का है, ये यहाँ की एजेंसी, चाहे सिक्योरिटी एजेंसीज हैं या डिफरेंट एजेंसीज हैं, ये उनके डोमेन में आता है। मुझे लगता है कि राइट वही होगा कि उन्हीं से ये सवाल पूछा जाए। हम बिल्कुल इसमें अभी नहीं है, सरकार में नहीं है, लेकिन जो एजेंसीज काम करती है वो किसी बुनियाद पर करती हैं, किसी जाब्ते में करती हैं।